Dear students of 30th class, good morning. Welcome to online class. Today I am going to teach you figures of speech. Figures of speech में सबसे पहला figure of speech है simile. Simile means उपमा. इसकी definition है In a simile, there is comparison between two different objects. The words of comparison like, so, as, etc. are used. इसका हिंदी explanation है इस simile figure of speech में दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है और उसमें तुलनात्मक शब्द like, so, as इत्यादि प्रयोग होते हैं इन शब्दों के माध्यम से पहचान की जाती है simile figure of speech. Example है द ग्लो ऑफ हर फेस इज एज ब्राइट एज सनशाइन उसके चेहरे का की चमक ऐसी है जैसे कि सूर्य की चमक द यंग तैमूर इज एज क्यूट एज ए किटन छोटा सा तैमूर इतना प्यारा सा है जैसे कि बिल्ली का छोटा बच्चा आप लोग जानते होंगे तैमूर कौन है किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं नेक्स्ट मेटाफर मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार होता है मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली मेटाफर जो है सिमली का संक्षिप्त रूप होता है इसमें जो कंपरेटिव वर्ड्स हैं वो प्रयोग नहीं होते हैं एग्जाम्पल इसका है माय टीचर इज एन एंजल मेरे टीचर एक देवदूत है अब देखिए इसमें अगर ये कर दिया जाए माई टीचर इज लाइक एन एंजल तो ये simile figure of speech होगा लेकिन लाइक शब्द इसमें यूज नहीं हुआ सीधे से टीचर को ही देवदूत कह दिया गया है तो मेटाफर फॉर एग्जाम इम्प्लाइड simile मेटाफर एक जो है simile का संक्षिप्त रूप होता है सेकेंड एग्जाम्पल है यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड तुम्हारा हृदय सोने का है मतलब हृदय को ही सोने बता दिया कहीं ऐसा भी होता है तुलना करने बजाय यहाँ पर सीधे बता दिया तुम्हारा हृदय सोने का है थर्ड नंबर हाइपरबोल हाइपरबोल मीन्स होता है असहयोग के अलंकार इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर आर लेस बेटर आर वर्स देन दे रियली आर इस फिगर ऑफ स्पीच में वस्तुओं को या घटनाओं को इतना बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाता है उनकी वास्तविकता से या तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा बता दिया जाता है अथवा उनको बहुत ज़्यादा खराब बता दिया जाता है वास्तविकता से ज़्यादा एग्जाम्पल है सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स उसने अश्रुओं का सैलाब बहा दिया बताइए आंसू में आंसू इतने निकल सकते हैं एक सैलाब बह जाए तो एक असहयोग की बात है सेकेंड नंबर है द रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड युद्ध भूमि में खून की नदियाँ बह गई अब बताइए एक नदी हो तो यहाँ पर बहुत सारी नदियों की बात हो रही नदियाँ बह गई तो ये ओवर स्टेटमेंट है बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन जिसे हिंदी मानवीकरण कहते हैं इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इस फिगर ऑफ स्पीच में लाइफलेस थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भावपूर्ण विचारों को भाववाचक विचारों को अथवा निर्जीव वस्तुओं को ऐसे बताया जाता है जैसे कि वो सजीव प्राणी हों एग्जाम्पल देखते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस सौभाग्य या सुअवसर केवल एक बार ही दरवाज़ा खटखटाती है अब सौभाग्य या सुअवसर कोई मनुष्य तो है नहीं लेकिन उसे ऐसे वर्णन किया जा रहा है जैसे वो मनुष्य हो तो अपॉर्चुनिटी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जैसे कि ये कोई प्राणी हो लिविंग बीइंग हो सेकेंड एग्जाम्पल एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव अनुभव सर्वोत्तम अध्यापक होता है चाहे एक्सपीरियंस तो एक फील करने वाली चीज़ होती है अनुभव ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है लेकिन उसको बताया गया अनुभव एक सर्वोत्तम अध्यापक होता है तो इस तरह से
in this video you have studied 4 figures of speech. Remaining figures of speech will be told you in the next video. Till then, goodbye. Thank you. Have a nice day.